नमस्कार दोस्तों, मैं मृदुल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GM फर्नीचर पर। दोस्तों, किचन के अंदर लैमिनेट जो है वो काफ़ी प्रचलित तरीका है काम में लेने के लिए। तो आज हम जानेंगे कि किचन के अंदर कौन कौन सी लैमिनेट्स ले सकते हैं, लैमिनेट्स के क्या क्या टाइप्स आते हैं, सनमाइका कितने कितने फिनिशेज में आती है, कौन सी किचन में काम में लेनी चाहिए, कौन से ब्रांड अच्छे हैं, कौन सी प्राइस रेंज अच्छी है। दोस्तों, इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कौन से कलर कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो जो आपको किचन के अंदर अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। सब्सक्राइब कीजिए GM फर्नीचर चैनल को मॉड्यूलर किचन पर लेटेस्ट वीडियोस के लिए और कॉन्टैक्ट कीजिए ऑनलाइन किचन डिजाइनिंग सर्विसेज के लिए। दोस्तों, अगर हम टेक्निकली बात करें तो लैमिनेट में दो तीन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है जो मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहली चीज़ होती है, लैमिनेट जो है वो दो कैटेगरी में आता है। थिकनेस जो है दो कैटेगरी की आती है, 0.8 mm आती है और 1 mm आती है। तो किचन में अगर हम काम में ले रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप 1 mm लैमिनेट काम में लें। दूसरा जो दोस्तों स्पेसिफिकेशन है वो इसकी फिनिशेस का है। लैमिनेट के अंदर शिफॉन फिनिश आ रहा है, SF फिनिश आती है, मैट फिनिश आती है, इसके अलावा टेक्सचर फिनिश आती है और हाई ग्लॉस फिनिश आती है। ये बेसिकली चार कैटेगरी जिनके अंदर हम लैमिनेट को डिवाइड कर सकते हैं मोटी मोटे तौर पर। वैसे तो सब कैटेगरीज काफ़ी सारी होती है लेकिन ये चार मेन कैटेगरीज हैं। तो अगर आप किचन के अंदर काम में ले रहे हैं तो आप SF फिनिश को अवॉइड करें थोड़ा सा और टेक्सचर को तो बिल्कुल अवॉइड करें। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप मैट फिनिश को लें या ग्लॉस फिनिश को लें, सबसे बढ़िया रहता है ग्लॉस फिनिश को लेना, उसमें सफाई वगैरह करना आसान होता है। दोस्तों, इसके बाद जो मैं आपको एक बार ग्लॉस फिनिश दिखा देता हूँ किस तरह की होती है। दोस्तों, ये वाला जो है ये मेरिनो कंपनी का फोल्डर है लैमिनेट 1 mm का। इसमें ग्लॉस फिनिश जो है दोस्तों, ये आप जैसा देख पा रहे हो इस तरह की फिनिश होती है चमक वाली। इसमें कुछ और कलर्स जो हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसा ये वाले कलर्स हैं, ये कुछ और कलर्स हैं हाई ग्लॉस में। दोस्तों, ये वाली जो फिनिश है चिकनी फिनिश जिसको हम बोलते हैं, ये हमें किचन के अंदर काम में लेनी चाहिए। दोस्तों, इस तरह की जो टेक्सचर वाली फिनिश होती है ना, ये हमें अवॉइड करनी चाहिए। जैसा ये दिख रहा है ना आपको टेक्सचर, इसके अंदर कुछ लाइंस वगैरह नज़र आ रही हैं, तो इसमें क्या गंदगी वगैरह जमने के चांस ज़्यादा रहता है। और ये वाली इस तरह की फिनिश हमें हाई ग्लॉस में जो फिनिश है ये। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो हमारी रहती है इसके अंदर वो रहती है कि यूरिया बेस्ड शीट लेनी है या फिनोल बेस्ड शीट लेनी है। बेसिकली जो है यूरिया बेस्ड जो शीट होती है वो नॉन वाटरप्रूफ कैटेगरी में आती है और उसके अंदर हार्डनेस भी ज़्यादा होती है। तो हमें अगर हम किचन में काम में ले रहे हैं या कहीं पर भी काम में ले रहे हैं तो आप हमेशा फिनोल बेस्ड शीट काम में लो। जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, मेरिनो, ड्यूरियन या सेंचुरी, जितने भी लैमिनेट के अच्छे ब्रांड्स हैं, वो फिनोल बेस्ड शीट ही बनाते हैं। तो आप ये भी चीज़ ध्यान रखो कि आप फिनोल वाली शीट ही काम में लें। दोस्तों, किचन के अंदर लैमिनेट के कलर कौन से लेने चाहिए वो अभी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें बेसिकली सॉलिड कलर से लेने चाहिए, यानी कि जो प्लेन कलर्स होते हैं वो सबसे बेस्ट लगते हैं किचन के ऊपर। किचन कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेट करना है, क्या पैटर्न बनाना है, उसके ऊपर हमारी पुरानी वीडियो है, उसका लिंक आई बटन में अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, जिसके अंदर आपको कलर कॉम्बिनेशन का आइडिया लगेगा। दोस्तों, इसके अलावा मैं अभी भी आपको कुछ कलर्स ऐसे दे देता हूँ जो आप अपने किचन के अंदर काम में ले सकते हो, वो अच्छे लगते हैं। दोस्तों, जैसे ये आप लैमिनेट्स देख रहे हो, ये मेरिनो ब्रांड का ही है। अब इसके अंदर जैसे आप कलर्स देख पा रहे हो तो मैं थोड़ा क्लोजअप लेके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, अगर आपकी जो किचन की साइज़ है वो अच्छी है, बड़ी साइज़ है, तो आप क्या कर सकते हो, जो दो सॉलिड कलर्स हैं जैसे कि ये वाला सॉलिड कलर हो गया और जो दो थोड़े से कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं, जैसे ये वाला हो गया डार्क कलर है ना, या फिर ये शंगीला कलर है, ये वाला हो गया, इस तरह के कलर्स के ऊपर अपन जा सकते हैं। अगर आपकी किचन छोटी और आप सिंगल कलर्ड किचन बना रहे हैं ना, सिंगल कलर वाली किचन बना रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि आप मीडियम टोन के कलर्स लो। मीडियम टोन के कलर्स में आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला जो कलर है, ये बीच कलर बोलते हैं इसको, इसकी किचन काफ़ी सुंदर दिखती है। मैं लास्ट में ना कुछ किचन की फोटोज़ भी डालूंगा वीडियो के एंड में, वो आप देखना, जो इन्हीं कलर्स में से बने हुए किचन्स हैं। ये वाला कलर आप ले सकते हो मीडियम टोन में, एक ये वाला कलर भी आप ले सकते हो, आयरिश क्रीम कलर है ये वाला, ये वाला सिल्वर ग्रे कलर ले सकते हो, जो मीडियम टोन के कलर है, मतलब जो एकदम से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स नहीं है। इनमें आप सिंगल कलर किचन बनाओगे तो काफ़ी सुंदर दिखेगी। अगर आप टू टोन कलर में जा रहे हो तो आप डार्क और लाइट का एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर का कॉम्बिनेशन लो सॉलिड के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, एक और इसके अंदर मेरिनो में दिया हुआ है लास्ट में, ये वाले, ये हमारा थोड़ा सा फ्रोस्टेड ग्लास फिनिश देते हैं, ये वाले फ्रोस्टेड ग्लास कैटेगरी का नाम है। इसमें ये वाला कलर काफ़ी अच्छा सिल्वर फ्रोस्ट, एक ये स्टील फ्रोस्ट काफ़ी अच्छा कलर है, एक हमारा सी पर्ल करके कलर है, ये भी बहुत अच्छा है किचन के अंदर। तो दोस्तों, आई वुड रिकमेंड कि आप इस तरह के प्लेन कलर जो हैं वो काम में लें तो आपका किचन काफ़ी ब्यूटीफुल दिखेगा। दोस्तों, अब सवाल ये मन में आता है कि हमें कौन से ब्रांड का लैमिनेट लेना चाहिए। तो दोस्तों, जो टॉप मोस्ट ब्रांड है इंडिया का लैमिनेट्स के अंदर, वो फर्स्ट नंबर पे मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार मेरिनो लैमिनेट ही है। मेरिनो लैमिनेट काफ़ी अच्छा ब्रांड है, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, तो आप मेरिनो लैमिनेट ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपको और ब्रांड्स में देखना है कलर नहीं मिल पा रहा है तो आप सेंचुरी लैमिनेट ले सकते हो, जिसका लुक बुक करके एक फोल्डर आता है। इसके अलावा ड्यूरियन एक अच्छा ब्रांड है, रॉयल टच अच्छा ब्रांड है, हाईलेक्स एक अच्छा ब्रांड है, और
इसके अलावा भी काफी सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन ये जो है हम काम में ले रहे हैं तो इनके बारे में मेरे को नॉलेज है, तो ये अच्छे ब्रांड्स हैं जिनको आप काम में ले सकते हो। बाकी आपको टेक्निकल जो मैंने पहले बताया वो देखना जरूरी है कि 1 mm शीट हो, फिनोल बेस्ड शीट हो, और उसके अंदर आप ग्लॉस फिनिश के ऊपर ही जाएं, टेक्सचर वगैरह नाना किचन के अंदर। दोस्तों अगर प्राइस रेंज की बात करें तो 0.8 mm और 1 mm की थिकनेस में लगभग 250 रुपये का अंतर आता है अक्रॉस फिनिशेज, मतलब SF मैट और ये हाई ग्लॉस वगैरह। अगर अपन रेट्स की बात करें तो फिनिश के हिसाब से रेट्स बढ़ती है। अगर आप मैट फिनिश लोगे तो हमारी जो है शीट 1 mm की 1100 से लेकर के 1200-1250 रुपये तक अंदर आ जाएगी 1 mm वाली, और अगर आप हाई ग्लॉस फिनिश में जाओगे तो वो लगभग 1450-1500 रुपये से लेकर के 1700-1800 रुपये तक आपकी शीट की कॉस्ट आएगी। अब इसके अंदर दोस्तों अगर आप ब्रांड और नॉन ब्रांड की बात करें तो ज़्यादा अंतर नहीं रहा आप लैमिनेट के अंदर, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ब्रांड के ऊपर ही जाओ। दोस्तों इसके अंदर मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ आपको, इसके अंदर कैटेगरी दी हुई है, तो जैसे जो अपने किचन वाला सेगमेंट है उसके अंदर ये एक तो एंटी बैक्टीरियल सेगमेंट इसमें दिया है, मेरे को काफ़ी पसंद आया, AB+ जो शीट्स हैं। इसके अलावा दोस्तों ये एंटी फिनगार्ड है, फिनगार्ड शीट्स हैं, एंटी फिंगरप्रिंट लैमिनेट्स हैं, ये भी बहुत अच्छा सेगमेंट है। इसके अलावा दोस्तों एक MR+ का सेगमेंट आता है, MR+ टफ ग्लॉस वाला, वो भी किचन लैमिनेट्स के अंदर काफ़ी अच्छा है। बेसिकली जो है हाई ग्लॉस से थोड़ी सी उसमें ग्लॉसीनेस ज़्यादा रहती है MR+ वाली शीट्स में, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है उसको जितनी बार रब करेंगे, एक राउंड का एक टेस्टिंग होती है, उसको जितनी बार रब करेंगे तो उसका कलर जो है ना वो काफ़ी टाइम बाद फेड होगा, तो उसके अंदर जो फेडनेस की प्रॉपर्टी है वो काफ़ी कम रहती है, तो MR+ शीट जो है आप ले सकते हो अपनी किचन के अंदर। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, इसमें जो फिनिशेज हैं, जैसे ये वाला जो है ये फिंगरप्रिंट एंटी फिंगरप्रिंट है, इसके अंदर बेसिकली अगर आप उंगली से ऐसा लगाएंगे तो आपको कभी भी निशान नहीं आएगा, मतलब उंगली का, जो नॉर्मल लैमिनेट्स पे कभी कभी आ जाता है, तो इसको एंटी फिंगर बोलते हैं। ये किचन के अंदर काफ़ी बढ़िया है क्योंकि किचन में सफाई करने में इजीनेस रहती है। और ये जो है दोस्तों ये वाला हाई ग्लॉस फिनिश है, ये जो है हाई ग्लॉस फिनिश है, इसमें भी चिकनी शीटें रहती है तो सफाई करने में काफ़ी आसानी रहती है, बढ़िया रहती है शीटें। अब दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जैसे आप देख रहे हो उसके अंदर एज बेंडिंग टेप लगी हुई है ये वाली, अब ये तो फैक्ट्री फिनिश हुआ हुआ है, अगर आप अपना काम कारपेंटर से करा रहे हो है ना, और उसमें आप इस तरह की फिनिशिंग चाहते हो, तो दोस्तों इसके लिए एज बेंडिंग टेप आती है, इस तरह की एज बेंडिंग टेप आती है, ये आप काम में ले सकते हो, जिसको आप काम में लेके, ये हर कलर की अवेलेबल हो जाती है, जो मेरिनो के शेड है उसमें हर कलर की जो एज बेंडिंग टेप है आपको अवेलेबल हो जाती है, ये रियाओ में भी मिलती है और अदर ब्रांड में भी मिलती है, तो ये ले सकते हो। लेकिन इसको कैसे लगाना है, क्या करना है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं उसके ऊपर एक नेक्स्ट पूरी वीडियो बना सकता हूँ जिसमें आपको एज बेंडिंग टेप को किस तरह से पेस्ट करवाना है उसके ऊपर पूरा वीडियो रहेगा। तो दोस्तों ये बेसिकली आज की हमारी लैमिनेट्स के ऊपर वीडियो थी, जिसमें हमने लैमिनेट की प्राइस, ब्रांड्स और सब कुछ जो किचन के अंदर हमें काम में लेना चाहिए वैसा जाना। अब मैं आपको कुछ कलर्स के साथ छोड़ जाता हूँ, जो आप कलर्स किचन के अंदर काम में ले सकते हो, अगर आपकी किचन छोटी बड़ी है कैसी है, और वो कॉम्बिनेशन आपके अच्छे ही जमेंगे। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।